हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल केएसएन टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट में आने वाली कावासाकी की बाइक्स के बारे में। इस वीडियो में टोटल 3 बाइकें हैं जो कि बिल्कुल कंफर्म है आपको 2021 के एंड से पहले लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन तीनों बाइकों के लॉन्च होने का इंतजार इंडियन ऑटो मार्केट में काफी लंबे टाइम से करा जा रहा है और मैंने इस वीडियो में कावासाकी W175 के लॉन्च के बारे में भी बताया है। तो दोस्तों अगर आप आने वाले टाइम में कोई भी बाइक को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आगे भी ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों पहले नंबर पर है कावासाकी निंजा 400। इस बाइक को कुछ टाइम पहले इंडियन ऑटो मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया गया था BS6 इंजन ना आने की वजह से, लेकिन अब कावासाकी ने कंफर्म करा है कि वो इस बाइक को 2021 के एंड से पहले लॉन्च करने जा रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस बाइक में कौन से इंजन का यूज किया जाएगा और वो इंजन कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा। बाइक में आपको 399cc का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल DOSC इंजन देखने को मिलेगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 49 BHP की 10,000 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 38 Nm का 8,000 RPM पर। इस पावर के साथ ये बाइक 190 से 210 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स की तो आपको इस बाइक में 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिल जाएंगे असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ। और बाइक में आपकी सेफ्टी के लिए डुअल चैनल ABS भी रहने वाला है। कंसोल दोस्तों इसका एनालॉग प्लस डिजिटल होगा जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम और फ्यूल गेज जैसे सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। बाइक के सस्पेंशन में इसके फ्रंट पार्ट में आपको 41mm के टेलीस्कोपिक फोर्क देखने को मिलेंगे और इसके रियर पार्ट में गैस चार्ज शॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा। और बाइक में लाइटिंग दोस्तों OLED रहने वाली है कावासाकी की तरफ से बाइक के हर पार्ट में। बाइक के डायमेंशन के बारे में बात करें तो निंजा 400 में 173kg का कवेट होगा, 140mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी और 785mm की सीट हाइट होगी जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाइक में 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाएगी और ये बाइक 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको दे देगी सिटी राइडिंग में और 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको दे देगी हाईवे राइडिंग पर। बाइक के टायर की तरफ देखा जाए तो इसके फ्रंट पार्ट में आपको 110x70mm का टायर मिल जाएगा और इसके रियर पार्ट में 150x60mm का टायर मिलेगा जो कि दोस्तों काफी ज्यादा वाइड होने वाला है बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइकों से। और मैं आपको बता दूं बाइक के फ्रंट पार्ट में सिंगल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन ही होगा, आपको इसमें डुअल डिस्क ब्रेक नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बाइक के लॉन्च के बारे में और इस बाइक का क्या प्राइस रखा जाएगा इंडियन ऑटो मार्केट में उसके बारे में। दोस्तों कावासाकी निंजा 400 आपको एक्सपेक्टेड अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 4,80,000 से 5,00,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। तो चलते हैं दोस्तों अगली बाइक की तरफ जो कि है कावासाकी की तरफ से आने वाली एक लोअर सेगमेंट की बाइक कावासाकी W175। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कावासाकी ने कुछ महीनों पहले कंफर्म करा था कि वो अपनी लो सेगमेंट की बाइकों को इंडियन मार्केट में दोबारा से लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें से आपको 2-3 बाइकें देखने को मिलेंगी कावासाकी की तरफ से। उन्हीं बाइकों में से दोस्तों कावासाकी W175 भी आने वाली है इंडियन मार्केट में और इस बाइक की टेस्ट राइडिंग आने वाले 2-3 महीनों के अंदर स्टार्ट कर दी जाएगी इंडियन मार्केट में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कावासाकी W175 के स्पेसिफिकेशन और इंजन कैपेसिटी के बारे में। इस बाइक में 177cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन का यूज किया जाएगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 13 BHP की 7,500 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.2 Nm का 6,500 RPM पर। इस पावर के साथ ये बाइक 110 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स की तो आपको इसमें 5-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिल जाएंगे, सिंगल चैनल ABS दोस्तों रहने वाला है आप सबकी सेफ्टी के लिए। और आपको बाइक में एक एनालॉग कंसोल मिल जाएगा ओल्ड स्टाइल वाला जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। बाकी सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोक का यूज किया जाएगा और इसके रियर पार्ट में आपको डुअल एडजस्टेबल शॉक अब्सॉर्बर देखने को मिलेगा। बाइक में लाइटनिंग दोस्तों फ्रंट पार्ट में हैलोजन बल्ब वाली रहेगी, बाकी आपको बाइक के सभी पार्ट्स में LED लाइट्स का काम देखने को मिलेगा। और टायर साइज के बारे में आपको बता दूं इस बाइक का दोस्तों फ्रंट पार्ट में आपको 80x100mm का टायर मिलेगा और इसके रियर पार्ट में 100x90mm का टायर मिलेगा। बाइक के टायर दोस्तों पूरी तरह से ट्यूबलेस होने वाले हैं स्पोक व्हील्स के साथ। और बाइक के डायमेंशन में 1030mm की बाइक की ओवरऑल हाइट होगी, 126kg का आपको कवर देखने को मिलेगा
जाएगा, जिसकी वजह से बाइक काफ़ी ज़्यादा निम्बल होगी सिटी राइडिंग में। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है बाइक में, और दोस्तों सीट हाइट रहेगी इसकी 780 mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बाइक में 13.5 लीटर की मिल जाएगी, और ये बाइक 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको दे देगी सिटी राइडिंग में। तो चलिए फाइनली अब बात कर लेते हैं बाइक के लॉन्च के बारे में और बाइक के प्राइस के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस बाइक की टेस्ट राइडिंग आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर स्टार्ट कर दी जाएगी इंडियन मार्केट में, और टेस्ट राइडिंग खत्म होने पर यह बाइक आपको 2 से 3 महीनों के अंदर लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि इस बाइक को फेस्टिवल सीजन में लॉन्च करा जाएगा इंडियन मार्केट में। तो एक्सपेक्टेड देखे तो ये बाइक आपको अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। और बात रही प्राइसिंग की, तो कावासाकी W17 का प्राइस सेम इसके वेरिएंट पे रखा जाएगा, यानी कि ये बाइक आपको 1,75,000 के प्राइस पर देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से तो कावासाकी इस बाइक को 1,20,000 से 1,40,000 के प्राइस पर लॉन्च करेगी। बाकी लॉन्च होने पर कावासाकी W175 सीधा कॉम्पिटिशन देने वाली है यामाहा FZX को और बाकी सेगमेंट में आने वाली क्लासिक क्रूजर बाइकों को। तो चलते हैं इस लिस्ट की तीसरी बाइक यानी कि आखिरी बाइक की तरफ, जो कि है दोस्तों कावासाकी Z400। इस बाइक में दोस्तों सेम 399cc का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन का यूज किया जाएगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 49 bhp की 10,000 rpm पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 38 Nm का 8,000 rpm पर। इस पावर के साथ ये बाइक 180 से 190 किलोमीटर पर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये बाइक काफी ज्यादा अग्रेसिव होने वाली है परफॉर्मेंस के मामले में और लाउडनेस के मामले में, इसी वजह से काफी सारे लोग इस बाइक के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं। और बात करें बाइक के फीचर्स की, तो आपको Z400 में सेम फीचर्स देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको निंजा 400 में बताए थे। बाकी बाइक के सस्पेंशन में, इसके फ्रंट पार्ट में आपको 41 mm का टेलीस्कोपिक फोर्क देखने को मिलेगा, और इसके रियर पार्ट में गैस चार्ज शॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा। और बाइक में लाइटनिंग दोस्तों पूरी तरह से LED रहने वाली है कावासाकी की तरफ से हर पार्ट में। और टायर साइज की तरफ देखा जाए तो आपको बाइक के फ्रंट पार्ट में 110x70 mm का टायर मिल जाएगा, और इसके रियर पार्ट में 150x60 mm का टायर मिल जाएगा, जो कि दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है स्ट्रीट नेकेड बाइक के हिसाब से। तो चलिए बात कर लेते हैं बाइक के डायमेंशन के बारे में। 168 kg का आपको इसमें कवर्ड देखने को मिलेगा, बाइक काफी ज्यादा निम्बल होगी सिटी राइडिंग में। 145 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस होगी, और 785 mm की सीट हाइट होगी, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 14 लीटर की मिल जाएगी, और ये बाइक 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको दे देगी सिटी राइडिंग में, और हाईवे पर आपको ये बाइक 30 के अराउंड का माइलेज दे सकती है, क्योंकि इस बाइक का कवर्ड थोड़ा कम है कावासाकी निंजा 400 के कंपैरिजन में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कावासाकी Z400 इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होने वाली है। इस बाइक का दोस्तों एक्सपेक्टेड लॉन्च रखा गया है नवंबर से दिसंबर के मंथ का, और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 4,00,000 से 4,20,000 के एक्शन प्राइस पर, जो कि लगभग दोस्तों रीजनेबल प्राइस है बाइक के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो कावासाकी की कंफर्म बाइक के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको इनमें से कौन सी बाइक ज्यादा पसंद आई और आप किस बाइक का वेट कर रहे हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, आगे भी ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और नीचे दिए गए लाइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।